दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। आज हम पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करेंगे। पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी जो हमारे देश का मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी। हम दोनों के कामकाज पर आज चर्चा करेंगे और केवल दो बड़ी खबरों को लेंगे, दो पहलुओं को लेंगे, ऐसे पहलू जो सचमुच आज की जो राजनीति है, आज की जो समाज नीति है, और ऐसे गवर्नेंस का मतलब अपनी अपनी सेक्टेरियन पॉलिटिक्स हो गई है। सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, वो शासन को, देश को, संस्कृति को, इतिहास को किस तरह देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, क्या उनके दिमागों में वाकई इतिहास होता है, क्या उनके दिमागों में वाकई आवाम होती है, क्या उनके दिमाग में वाकई या देश या समाज या राष्ट्र राज्य होता है, क्या होता है। तो सबसे बड़ी कहानी जिस पर चर्चा हो रही है पूरे देश में, और मैं समझता हूं कि आज उसकी चर्चा किए बिना मैं भी नहीं रह सकता, कि भारत की सरकार में जो सत्ता चलाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अगर ये कार्यक्रम उसका होता तो मुझे कोई आपत्ति ना होती। सच पूछिए तो मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजादी की लड़ाई में किनको नेता मानती है, किसको खलनायक मानती है, किसको महानायक मानती है, ये उसका काम है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और उसके जो पूर्वज थे जनसंघ के लोग, उनके भी पहले के जो आरएसएस के लोग थे, उनकी आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सेदारी थी नहीं, तो वो आजादी की लड़ाई को अपने जैसे ढंग से चाहे वैसे व्याख्यायित करें, वो आजाद है। लेकिन यहां मसला बीजेपी का नहीं है, आरएसएस का नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, मसला है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का, यानी आईसीएचआर, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। अब भारतीय सरकार का कोई संगठन इस तरह की बात अगर करे कि आजादी की लड़ाई में कौन नायक थे, कौन महानायक थे, कौन बड़े नेता थे, और वो उसकी मनोगत व्याख्या किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर करना शुरू कर दे, तो आप कैसे इसको देखेंगे। अब इस समय आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो अमृत महोत्सव चलाने के लिए, अब ये लंबा सिलसिला चलेगा, इस पर अनेक कार्यक्रम होंगे, उसमें एक जो चित्र पेश किया गया है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के इस कार्यक्रम का, एक तरह से मुखड़ा, उस मुखड़े में जो चित्र लगे हैं आजादी के बड़े जो नायक थे आजादी के आंदोलन के, उसमें महात्मा गांधी जी का है, कृपा की है उन लोगों ने महात्मा गांधी पर, सुभाष चंद्र बोस पर है, उन पर भी कृपा कर दी है, राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति थे देश के पहले, उनका नाम है, सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे भारत सरकार के पहले गृह मंत्री, उनका भी नाम है, भगत सिंह शहीद आजम को कैसे भुलाते बेचारे, हालांकि वो केसरिया उनको पहनाते रहते हैं कुछ भगवा ढंग की पगड़ी, जो कि जीवन में कभी नहीं वो पहने। इसके अलावा उन्होंने अंबेडकर साहब का भी नाम डाला है, अच्छी बात है। लेकिन जो एक बड़ा दिलचस्प नाम जोड़ा गया है वो है विनायक दामोदर सावरकर का, जिनके बारे में इतिहास स्वयं साबित कर चुका है कि वो ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांगकर और जेल से बाहर आए थे, और आजीवन वह इसी तरह से रहे, तरह तरह के सामाजिक काम करने के नाम पर। उनको महात्मा गांधी की नृशंस हत्या के आरोप में उन पर मुकदमा भी चला था, ये बताना बहुत जरूरी है। हालांकि वो कुछ तकनीकी कारणों से और वाजिब जो ठोस साक्ष्य की बात थी जिस तरह से आना चाहिए था वो नहीं उपलब्ध हुआ, इसलिए वो मुक्त हो गए थे और उनको सजा नहीं हुई थी, लेकिन अभियुक्त के रूप में वो बकायदा उस केस में थे। तो उनको भी आजादी की लड़ाई के महानतम महानायक के रूप में पेश किया गया है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में। और आजादी के बाद भारत में इस तरह से, जब से ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद बना है या कोई भी सरकार जब से गठित हुई है, वीटी सावरकर को ये महत्व पहली बार दिया गया है। लेकिन उसमें जो एक बहुत बड़ा जो नायक या एक बहुत बड़ा जो चेहरा जो मिसिंग है वो कौन है मालूम है? राजेंद्र प्रसाद भारत की पहली जो सरकार थी उसके राष्ट्रपति थे।
और पहली जो सरकार थी उसके गृह मंत्री थे सरदार पटेल। लेकिन उस पहली सरकार के प्रधानमंत्री का नाम गायब है, यानी जवाहरलाल नेहरू का। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम अगर आरएसएस ने गायब किया होता अपने किसी कार्यक्रम से, बीजेपी ने गायब किया होता, तो बिल्कुल ये एक मानी हुई बात थी कि इसमें उनकी अपनी एक उनके अपने पूर्वाग्रह, उनके अपने आग्रह हैं। ठीक है, वो जैसे चाहे वैसे इतिहास को देखे। लेकिन मसला यहाँ भारतीय इस इतिहास अनुसंधान परिषद का है, एक ऐसी संस्था जो सरकारी फंड से चलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जिस पर इतिहास के अन्वेषण और इतिहास की पड़ताल की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। अगर वो ये काम करता है तो मैं समझता हूं कि चकित करने वाली बात है। माफ कीजिएगा, मैं कोई नेहरूवादी नहीं, नेहरू सरकार की और नेहरू जी के विचारों की जहां पर मुझे पसंद आता है वहां पर मैंने उनकी प्रशंसा भी की है, और जिन नीतियों की आलोचना मुझे करनी है या जिनको मैंने समझा कि ये गलत उनकी नीतियां थी, मैंने जम के आलोचना की है अपने लेखों में भी, अपनी टिप्पणियों में भी। तो मैं कोई नेहरूवादी नहीं हूं, लेकिन कौन भुला सकता है कि जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री ही नहीं, बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में वर्षों जेल में बिताए, जिन्होंने काफी कुछ बलिदान किया, उनके पूरे खानदान ने, उनके पिता व स्वयं और उसके बाद की अन्य पीढ़ियों ने। आप पसंद करें नापसंद करें वो अलग बात है, लेकिन ये जो उनको गायब किया गया है इतिहास अनुसंधान परिषद के आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम से, मैं समझता हूं ये हास्यास्पद है, शर्मनाक है। इस पर माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से अनुसंधान परिषद को, और जो लोग अनुसंधान परिषद पर दबाव डालकर ये सब कराए हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी जो इसी से जुड़ी एक और खबर, फिर मैं आता हूं विपक्ष पर। सत्ता पक्ष की कुछ और कारगुजारियां आप देखिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों का, बहुत सारे नगरों का, बहुत सारे रेलवे स्टेशन का नाम पहले भी बदला जा चुका है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार आ जाएगी, हो सकता है यही सरकार फिर से दोबारा आ जाए, या हो सकता है कोई नई सरकार आ जाए, लेकिन इतने कम समय में भी कई अन्य शहरों, नगरों, यहाँ तक कि गांवों के भी नाम बदलने की कोशिश चालू हो गई है। अब जैसे मुगलसराय का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत पहले बदला जा चुका है, उसका नाम है दीनदयाल नगर, लेकिन हर आदमी मुगलसराय करता है। अब मुगलसराय रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली जो दीनदयाल उपाध्याय नगर है स्टेशन, उससे गुजरने वाली हर ट्रेन में पूछता है एक आदमी खिड़की से, भैया मुगलसराय आ गया क्या? तो कहता हाँ मुगलसराय आ गया। मुझे लगता है ऐसे सभी लोगों को राजद्रोही, देशद्रोही बता देना चाहिए सरकार को। जो लोग मुगलसराय कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय नगर को, उनको दंडित करने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए, क्योंकि सबकी जुबान पर अभी तक दीनदयाल नगर है, अरे मुगलसराय है, दीनदयाल नगर किसी के मुंह पे आ ही नहीं रहा है। सरकार को कदम उठाना चाहिए। इसी तरह प्रयागराज, अब इलाहाबादी अमरूदों को दंडित किया जाना चाहिए। जो कंपनी गार्डन में, जिसको अल्फ्रेड पार्क भी कहते हैं, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में या कंपनी गार्डन में जो अमरूद पैदा होते हैं, अभी भी पूरे देश के लोग उसको इलाहाबादी अमरूद कहते हैं। ये अमरूदों के खिलाफ कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अमरूद बेचने वालों पर भी, जो इलाहाबादी अमरूद कहकर बेचते हैं। प्रयागराजी अमरूद कहना चाहिए अब, क्योंकि उसका नाम प्रयागराज हो गया। तो ये नाम बदलने की जो बात है वो विचित्र है। नाम तो आपने बदल दिया, लेकिन लोग अपनी गाथाओं के हिसाब से चलते हैं, अपनी विरासत के हिसाब से चलते हैं, अपनी स्मृतियों के हिसाब से चलते हैं। आप उनकी स्मृतियों से कैसे काटेंगे वे पुराने नाम, जो उनके न केवल कागजात पर हैं बल्कि उनके दिमागों में, उनकी मेमोरी में। अब एक छोटा सा गांव है उन्नाव में, उसका नाम है मियांगंज, मियांपुर। उस मियांपुर गांव का नाम मायापुर या मायागंज रखने की कोशिश हो रही है। अब बताइए, एक छोटे से गांव पे भी इतनी नजर। इसी तरह से अब आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं। अब ये मियांगंज को मायागंज तो कर देंगे, लेकिन भाई बमनौली गांव कितने हैं, अहिरौली गांव कितने हैं, डूबे छपरा, पांडेपुर, तिवारीपुर, पाठकपुरा, कितने सारे गांव है, कितने गांव का नाम बदलेंगे? कोई जाति के नाम पर है, कोई धर्म के नाम पर है, लेकिन मियांगंज पर आपकी नजर ज्यादा है। इसी तरह से अभी
कहीं जिला पंचायत की तरफ से, कहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, कभी विधायक की तरफ से, कभी किसी मंत्री की तरफ से सरकार को लगातार ये प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के कम 9-10 जिलों का या शहरों का नाम बदला जाए। इनमें कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। इसमें मैनपुरी है, इसका नाम मायनपुरी रखने की कोशिश हो रही है। अलीगढ़ है, इसका नाम हरिगढ़ करने की। अब अलीगढ़ी तावों का क्या होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या होगा? अलीगढ़ ताले जानते हैं, पूरे देश में मशहूर है। अब उनका हरिगढ़ी ताले उनको बताना पड़ेगा अगर ये नाम चेंज हो गया तो। जिला पंचायत ने सुना है कि प्रस्ताव किया है कि अलीगढ़ का भी बदला जाए ना, क्यों अलीगढ़ का बदला जाए, आप समझ रहे हैं इसके पीछे कहानी। इसी तरह से संभल का नाम पृथ्वीराज नगर या कालकी नगर रखने की बात चल रही है। फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर, सुल्तानपुर का नाम कुश भवानपुर। इसी तरह से एक और जिला है संभल, अब संभल का जो नाम है वो भी बदलने की बात हो रही है, उसका नाम कुछ नए उसके लिए नाम चुना गया है पृथ्वीराजनगर। इसी तरह से एक और जिला है फिरोजाबाद, जैसा मैंने बताया चंद्रनगर, उसका करने की बात चल रही है। और दुख तो यह है कि मैं भी दुखी कम नहीं हूं कि मेरे जिले का नाम गाजीपुर है, और गाजीपुर आज से नहीं सदियों से है। उस गाजीपुर का नाम गाधीपुरी रखने की कोशिश हो रही है। मेरे पड़ोस में एक जिला है बहुत पुराना, आजमगढ़, कैफी आजमी का। मेरा जिला राही मासूम रजा का जिला है, वो कैफी आजमी का जिला है। कैफी आजमी के जिले का नाम आजमगढ़ से आर्यन नगर रखने की बात चल रही है, अब आप सोचिए। इसी तरह से शाहजहांपुर का नाम शाजीपुर, देवबंद का नाम देवावृंद। अब ये क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, क्या इससे जन कल्याण है, क्या इससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कोरोना पीड़ित जो परिवार हैं उनको कोई राहत मिलेगी? क्या समाजशास्त्र है इसका, क्या अर्थशास्त्र है, क्या दिमागी फितूर है? नाम बदलकर आप खुशहाली ले लेंगे, हासिल कर लेंगे, दुख और दरिद्रता मिटा देंगे? हम कहां खोए हुए हैं? किस तरह की सियासत, किस तरह का सोच ये 21वीं सदी के भारत में? तो दोस्तों सोचिए आप, जिस प्रदेश में कुछ ही महीने बाद चुनाव होने हैं वहां की सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा बताया जा रहा है, उसके विधायक, जिला पंचायत प्रमुख सारे के सारे पिटीशन पर पिटीशन दिल्ली अरे लखनऊ भेज रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए। तो ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाना चाहता था। और बिल्कुल आखिर में, हमारे पास समय कम है क्योंकि बहुत लंबी बात होगी तो आपको भी नाराजगी होगी कि क्यों लंबी कर दी मैंने टिप्पणी, लेकिन मैं कांग्रेस को छोड़ नहीं सकता। आज बहुत महत्वपूर्ण खबर, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां चुनाव हार भी जाती है वहां सरकार बनाने की कला वो जानती है, जहां इलेक्शन में उसको जनादेश नहीं मिलता ऐसे अनेक प्रदेश हैं। आप गिन लीजिए, गोवा से लेकर मध्य प्रदेश, कर्नाटक से लेकर और न जाने नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टेट्स, जनादेश नहीं मिला लेकिन सरकार बना ली। जनादेश तो उनको बिहार में भी आप देख लीजिए कितना जनादेश मिला था, लेकिन सरकार बना ली। पर कांग्रेस पार्टी को जहां प्रचंड बहुमत मिलता है वहां भी सरकार को वो गंवाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या अद्भुत कौशल है बीजेपी के पास, कौशल है कि जहां जनादेश नहीं है वहां सरकार बनाती है, दंड फंद जो चाहे जितना कुछ करना पड़े। और कांग्रेस पार्टी की चुनाव जीत भी जाती है तो वो अपनी सरकार को कैसे गंवाए इसके तिकड़म में लग जाती है, खासकर उसके कुछ नेता। अभी अभी पता चला कि छत्तीसगढ़ में सरकार संभल गई क्योंकि वहां भी कशमकश, वहां भी रस्साकसी चल रही थी। अब सिंहदेव साहब वो चाहते थे कि भाई भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं उनको हटाकर हमें बना दिया जाए क्योंकि ऐसा वादा किया गया है, लेकिन सुना कि यहां पर आला कमान ने कहा कि नहीं ऐसा कोई वादा नहीं। अरे भाई पहले ही क्यों नहीं क्लियर कर दिया था कि ऐसा कोई वादा नहीं? और दूसरी बात, आप होते कौन है वादा करने वाले कि कौन मुख्यमंत्री बने? भारत के संविधान के मुताबिक ये काम विधायकों का है,
प्रधानमंत्री चुनने का काम सांसदों का है। क्यों नहीं संवैधानिकता पर यकीन करते हैं? क्यों नहीं विधायकों पर छोड़ देते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ये तो प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स हो गई कि हम पहले ही तय कर देंगे कि कौन मुख्यमंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री बने, या टीवी चैनलों की तरह कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। भाई संवैधानिकता का तकाजा है। कांग्रेस पार्टी संवैधानिकता की बात करती है, पुरानी पार्टी है। क्यों आप ये करेंगे कि जिसको चाहेंगे उसको बदलेंगे, जिसको चाहेंगे उसको पलटेंगे, जिसको चाहेंगे तख्त पर बैठाएंगे? हमने देखा है जब कांग्रेस बहुत पावरफुल पार्टी थी, 15 दिन में 20 दिन में 2 महीने में 3 महीने में 6 महीने में सरकारें पलट जाती थी, नया मुख्यमंत्री आ जाता था। और होता यह था कि कांग्रेस पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाती। बात यह होनी चाहिए कि भूपेश बघेल की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है वो परफॉर्म कैसे बेहतर करे, वो ज्यादा प्रो पीपल कैसे एजेंडों को पर काम करे, न कि ये कि साहब सरकार बदल देनी है और कोई दबाव डाल रहा है। भाई अगर दबाव अगर है, विधायक चाहते हैं कि पलट दिया जाए, पलट दीजिए। लेकिन अगर 70 विधायकों में सर्वाधिक विधायक भूपेश बघेल के साथ हैं, सबसे अधिक विधायक, तो 15, 20 या 25 कोई भी मैं संख्या नहीं जानता, लेकिन अगर कोई एक बहुत न्यूनतम संख्या में कोई और नेता के प्रति कोई वफादार विधायक हैं, तो सिर्फ माइनॉरिटी के बल पर कैसे कोई नेता 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन सकता है, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। तो इसलिए वो संकट तो टल गया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस आला कमान और राजनीतिक ढंग से, एपोलिटिकल ढंग से जो ये बिहेवियर, ये आचरण कर रहा है, उसकी वजह शायद उसके और राजनीतिक सलाहकारों में वो बात छुपी हुई है। कांग्रेस पार्टी के पास पहले राजनीतिक स्टालवर्ट्स हुआ करते थे, आजकल बिल्कुल और राजनीतिक किस्म के लोग राजनीतिक सलाहकार बने हुए हैं, और वो अनाप शनाप सलाह देते हैं नेताओं को। नेता समझदार जरूर है, लेकिन उनके पास ग्रास रूट जमीनी स्तर की सच्चाइयों का अनुभव नहीं है, और इसमें बंटाधार हो रहा है। ये बंटाधार पंजाब में दिखाई दे रहा है। अब आपने सिद्धू साहब को, जो बीजेपी से पलटकर आए थे कांग्रेस में, उनको अचानक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जैसी भी थी, लेकिन वो काम अब उसको डिस्टेबलाइज करने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ही लगा हुआ है। कमाल की बात है। तो छत्तीसगढ़ में तो खैर संभल गई स्थिति, लेकिन अभी भी पंजाब में डावाडोल स्थिति है, चुनाव से एन पहले। तो आप कल्पना कीजिए कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ को अपने ही कैसे बर्बाद करने में जुटी हुई है, थैंक्स टू देयर एडवाइजर्स। कमाल के एडवाइजर्स, कोई राजकुमार है, कोई रेडिकल टर्न सेंट्रिस्ट है, लिबरल हो गया है, तो कोई रिलीजियस है, कोई सेक्टेरियन है, कोई ब्रॉड माइंडेड है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, कोई न जाने कौन ईस्ट है। तो एक कुल मिलाकर चू चू का मुरब्बा बन गई है कांग्रेस पार्टी, और उसमें हो ये रहा है कि जो जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से नाराज जो समाज है, विक्षुब्ध जो जनता है, उसके लिए कोई एक खूबसूरत, एक मीनिंगफुल अल्टरनेटिव ऐसा लगता है कि वो देने में, कम से कम मुझे अभी तक नहीं लगता कि वो देने में सक्षम दिखाई दे रही है। वो तो स्वयं अपने आत्मघात कर रही है, अपने को ही नष्ट करने पर आमादा है। क्या कांग्रेस सुधरेगी? कोई सुधरने की गुंजाइश कांग्रेस पार्टी में है, आपको लगता है? तो दोस्तों आज इसी सवाल के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.